कितना खूबसूरत और शानदार नज़ारा है। हथौड़ा झूला भी चल रहा है, इंडो लाइव चल रहा है, नाव वाला झूला भी चल रहा है। ये देखिए हथौड़ा झूला भाई साहब बिल्कुल ऐसे घूमता है, उल्टा करता है आदमी को तो। ओ भाई आज मेले को 20 दिन हो गए, आज मौसम ठंडा हो रहा है इसलिए आज मेले में थोड़ा भीड़ कम है, क्योंकि आज सुबह से बारिश हो रही है। ये देख सकते हो आप कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ मेले का। देखिए कितनी छोटी सी बच्ची और ये रस्सी पर चल रही है, बताइए देखिए इतनी छोटी सी बच्ची रस्सी पर चल रही है, ये भी कलाकारी है भाई साहब। ये गरीब का बच्चा है इसलिए रस्सी पर चल रहा है, अब पेट पालने के लिए देखिए क्या क्या करता है इंसान। सदाकत अली ब्रो, दोस्तों आज हम फिर आ गए हैं सहारनपुर के ऐतिहासिक भूगाल के मेले में और आज है मेले का 20वां दिन। और भैया आज जो है ना सुबह से बारिश हो रही थी इसलिए आज मेले में थोड़ा भीड़ कम है, क्योंकि ठंड बैठ चुकी है। आगे आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ना अब लोग आने शुरू हो चुके हैं, तो चलिए चलते हैं और आज फिर आपको दिखाते हैं सहारनपुर में 20वें दिन मेले का क्या है हाल। जस्ट मोमेंट आफ्टर सम टाइम फ्री टैग लेटर, सो लेट्स गो स्टार्ट। दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, दोनों झूले चल रहे हैं वो कितने मस्त लग रहे हैं चलते हुए। ये देखिए आज मौसम ठंडा हो रहा है जिसकी वजह से आज थोड़ा मेले के अंदर भीड़ कम है, और यहाँ पर वैसे अब जो है ना लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है। ये देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा है मेले का, कितना खूबसूरत और शानदार नज़ारा है, वाह जी वाह। आज तुर्कीश आइसक्रीम पे भी भीड़ नहीं हो रही क्योंकि ठंड हो गई ना बारिश होकर, नहीं तो भाई साहब यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है तुर्कीश आइसक्रीम पर और स्मोक बिस्किट की शॉप पर। ये देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा है, कितना खूबसूरत और शानदार दृश्य, वाह जी वाह। ये देखिए यहाँ पर हर माल 5 रुपये की स्टॉल पर कितनी ज़बरदस्त भीड़ हो रही है, और यहाँ पर ये बर्तनों की स्टॉल है जहाँ पर 20 रुपये, 10 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये की सेल लगी है, और जहाँ पर सेल की शॉप है वहाँ पर काफ़ी भीड़। रेडी ज्वेलरी है देखिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत है, मात्र 100-100 रुपये की। ये बच्चों की खिलौने की शॉप है और यहाँ पर हर माल 80 रुपये मिल रहा है। ये देखिए कितने का है, 80 रुपये का है। यहाँ पर लकड़ी के आइटम मिल रहे हैं चाबी वगैरह टंगाने के लिए, बहुत ही अच्छे अच्छे है, 60-70 रुपये के। इंडियन गन शूटिंग 30 रुपये में 6 फायर दे गए मनोरंजन के लिए, इन बंदूकों से निशानेबाजी करने के सोचने निशाने लगा सकते हो। ये देखिए यहाँ पे लगा भी रहे निशाने, छोटे छोटे बच्चे भी निशाने लगा रहे पूरा। ब्रेक डांस झूला, बड़ा झूला भैया, ये देख सकते हो आज बारिश होने की वजह से जो है ना ठंड सी हो गई है, इस वजह थोड़ा भीड़ कम हो गई है मेले में। ये देखिए और अब भीड़ थोड़ी कम हो गई है, कुछ इस तरह का नज़ारा है मेले का। ये देख सकते हो आप पे जो है ना पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ हो रही थी, लेकिन अब जो है ना बारिश हुई है सुबह से आज और इसमें थोड़ा भीड़ कम हो रही है। ये देखिए लेकिन अब जो है ना जैसे जैसे रात होती जा रही है 9 बजे तक की बहुत सारे लोग आ जाते हैं, क्योंकि लोग अपने काम से निमट कर आते हैं और फिर फैमिली को लेकर मेले में घूमने के लिए चल देते हैं। ये देखिए भाई 1-2 दिन रह गए बस, कल को भी लेट कट सकती है और परसों को भी कट सकती है, तो यदि आप आना चाहते हो मेले में आ जाइए।
ये देखिए कैंडी तैयार हो रही, कितनी बड़ी बड़ी कैंडी तैयार हो रही है। 10 वाली 20 वाली 20 रुपये की कैंडी भाई। ये हो गई तैयार कैंडी, ये लगा दिया मात्र 20 रुपये की। और ये देखिए यहाँ पर जो है ना, जो लेडीज आइटम है उन पर काफ़ी भीड़ है मेले के अंदर। 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये के लेडीज आइटम मिल रहे हैं, उन पर काफ़ी भीड़ हो रही है। ये हंगरी वालों की स्टॉल लगी हुई है यहाँ पर, आप खा भी सकते हो, घर भी लेके जा सकते हो, 100 रुपये दे रहे मात्र। तो भाई ये देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा है मेले का, देखिए सहारनपुर में नंबर 1। यहाँ पर चश्मों की सेल लग रही है 99 रुपये की, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बहुत ही स्टाइलिश स्टाइलिश चश्मे हैं। वाजिब 50-50 रुपये के इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ये। यहाँ पर बर्तनों की स्टोर लगी है, ये 4 पीस मिल रहे हैं 100 रुपये के, ये लिखा हुआ है एक दाम 100 रुपये के 4 पीस। कितने खूबसूरत खूबसूरत ये आइटम है भाई साहब। मेले के अंदर जो है ना अब सबसे ज़्यादा भीड़ बर्तनों की दुकानों पर देखी जा रही है। ये देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत बर्तन है, और भीड़ भी बहुत हो रही है यहाँ बर्तन लेने के लिए लेडीज़ों की। यदि आप मेले के अंदर आते हो, क्योंकि कल या परसों लाइट भी कट जाएगी, लेकिन बर्तनों की दुकानें लगी रहती है और सस्ते सस्ते बर्तन मिलते हैं। फिर कितने रुपए की प्लेट है चाट की? 40 रुपए की, 30-30 रुपए की दे रहे यार। 20 में देंगे, ले भाई भी 40 कह रहे, 20 में कह रहे, 2 दिन के लिए 20 की कर दी इन्होंने। ये देखे दोस्तों मेले के अंदर 80 रुपए किलो हलवा हो चुका है अब, वरना 100, 120 और 160 मिल रहा था, और अब 80 रुपए किलो मिल रहा है। तो यदि आप मेले में आते हो, हलवा पराठा जरूर लेकर जाए, मात्र 80 रुपए किलो। 70-70 रुपये घड़ी मिल रही है। देखिए मेले के अंदर बारिश होने से जो है ना कीचड़ हो चुका है हल्का फुल्का, ये देखिए, और भाई भीड़ होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन आज बारिश हुई थी इसीलिए जो है कीचड़ हो गया है। मैंने ये देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पर कीचड़ हो गया, ये देखिए पानी पानी सा हो रहा है। उससे देख सकते हो मेले के अंदर जो है ना बर्तनों की दुकानों पर काफ़ी भीड़ हो रही है। 120 रुपये के 6 गिलास मिल रहे हैं, ये देखिए कांच के गिलास कितने खूबसूरत खूबसूरत है मिल रहे। सबसे सस्ते कप 50 रुपये के 6, देखे चट लगे रखे कपों के, तमाम कभी कप देखने को मिल जाएगा आपको भाई, सस्ते भी और अच्छे भी। यदि आप सहारनपुर के उगाल के मेले में आते हो तो यहाँ से कप लो, ये देखिए 50 रुपये के 6 कप है भाई। एक दो दिन रह रहे मेले के भाई, 17 में कट सका या 18 में कट सका लाइट, तो भाई जल्दी करें सहारनपुर के गुहाल के मेले में आए और यहाँ से कप वगैरह लेकर जाए, बहुत ही सस्ते सस्ते है, बहुत ही अच्छे अच्छे। देखिए भाई सबसे सस्ता पान यहाँ मिल रहा है 20 रुपये का है जी, 10 रुपये 20 रुपये, और स्मोक बिस्किट भी सस्ता मिल रहा है यहाँ पर मात्र 20 रुपये का। अगर आप आगे से लोगे तो 30 रुपये का देते हैं, और यहाँ पर मिल रहा है मात्र 20 रुपये का। देखिए फायर वाला भी पान ले सकते हो आप, और ये स्मोक पान भी ले सकते हो, 30 रुपये का स्मोक पान है, फायर पान जो है 20 रुपये का, ये देखिए। तो भाई अब जो है एक दो दिन रह चुके हैं मेले के, यदि आपको मेले में घूमने आना है, कल कल का दिन है बस, 17 तारीख की कह रहे लाइट कट जाएगी। तो ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं कब कहाँ किस वक्त साथ छोड़ दे। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।